क्या हुआ मम्मी? Everything all right? सवेरा ठीक है? Yeah, yeah, she's fine. सवेरा is fine. तो फिर problem क्या है? वो करीम के घर में कुछ financial crisis आए हुए हैं. अनाया को देखो, उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया. खैर, मैंने ऑफिस में मिस्टर लेक को कह दिया है, वो कुछ कैश जो है करीम के घर भिजवा देगा. थैंक यू. और वाकई में मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा इस बात का. आई वाज सो बिजी विद वर्क. मुझे लगा वो जोना की कोई जॉब एप्लीकेशन की वजह से, उसकी वजह से वो परेशान है. डोंट वरी बेटे, तुम परेशान ना हो, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखो. मैं हूं ना, सॉर्ट आउट कर लूंगी सब कुछ. मेरी आज अनाया से बात परेशान लग रही थी, सोच रही थी मुझे कैसे पता चला. पता, मेरी मोहब्बत को वो एहसान मान रही है. मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही तो है बेटे. मेरी नाया ऐसी है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह खुददार है. इतनी मुश्किल में भी होते हुए वो हौसला नहीं आ रही. बेटा, हम गैर थोड़ी हैं, खुददारी अपनी जगह, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ खुलूस का है. थैंक यू. इनको बुखार बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें. मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ. इनको नाश्ते के बाद दे दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका बुखार टूट जाएगा. इनकी मेडिसिन. मैडम, क्या करना है इसका? मैं डॉक्टर साहब को सी ऑफ करके आती हूँ. आप करें बैठे. चलिए सर. नहीं, उसे बता. इस हालत में गई तो आंटी जी पता नहीं क्या सोचेंगी, मायर को बुरा ना लग जाए. तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह से लॉक कर दोगी तो मैं अंदर नहीं आ सकता? रोहन, जाए यहां से. रोहन, आप होश में नहीं हैं, आप प्लीज जाइए यहां से. नाया, नाया दरवाजा खोलो. नाया, वो शख्स जो इतवार के काबिल नहीं है, उसकी वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है.